महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए थे। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिसमें हंगामा हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है। वहीं बीजेपी विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि फैसले की कॉपी आने के बाद तमाम बिंदुओं को समझेंगे और देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश विधानसभा पर किस तरीके से लागू होता है। विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले की परख विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार, विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। मॉनसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी समुदाय के लिए लड़ रहे हमारे 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को रद्द करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत और धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है क्योंकि इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। यदि निष्कासन होता है तो उस जगह को भरने के लिए एक तंत्र बना हुआ है। एक साल के लिए निलंबन निर्वाचन क्षेत्र के लिए सजा के समान है। जब विधायक वहां नहीं है तो कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा है बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।